ठीक है, रास्ता दीजिए। यहाँ आए क्यों थे आप? यहाँ आए क्यों थे? आपने बुलाया था, कॉल दिखाऊं? मैं आपके बुलाए पर दुकान कहाँ चला जाता हूँ? बाबा से मिलने की मुझे क्या जरूरत है? इसलिए मिलूंगा मैं आपने बुलाया। मैं अलीगढ़ गया, अपने आप मैं हाथरस गया, घटना स्थल गया, एटा हॉस्पिटल, और इतना पस्त हो चुका हूँ। तो भैया ये है वकील एपी सिंह जो हाथरस वाले बाबा का केस लड़ रहे हैं। एक तरफ हाथरस कांड के बाद से ही भोले बाबा फरार हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबा के वकील जब अचानक आधी रात मैनपुरी आश्रम पहुंच गए तो सभी दंग रह गए। सवाल ये कि जब बाबा का आता पता नहीं तो वकील साहब आधी रात अचानक से आश्रम क्यों पहुंच गए? लेकिन जब मीडिया के सवाल हुए और आश्रम के गेट पर पुलिस वालों को देखा तो वकील एपी सिंह वापस लौट गए। ठीक है, रास्ता दीजिए। यहाँ आए क्यों थे आप? यहाँ आए क्यों थे? आपने बुलाया था, कॉल दिखाऊं? मैं आपके बुलाए पर दुकान कहाँ चला जाता हूँ? बाबा से मिलने की मुझे क्या जरूरत है? इसलिए मिलूंगा मैं आपने बुलाया। मैं अलीगढ़ गया, अपने आप मैं हाथरस गया, घटना स्थल गया, एटा हॉस्पिटल, और इतना पस्त हो चुका हूँ। हाथरस के सिकंदरा राव में 2 जुलाई को नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा इनके सत्संग में भगदड़ मची जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया जहां भोले बाबा की पैरवी एडवोकेट एपी सिंह यानी अजय प्रकाश सिंह करेंगे। वकील एपी सिंह देर रात मैनपुरी के बिछवा स्थित बाबा के आश्रम पहुंचे। वकील साहब आश्रम के गेट तक तो पहुंचे, लेकिन मीडिया के सवाल सुनकर और गेट पर पुलिस को देखकर वापस ही उल्टे पैर लौट आए। इस दौरान हमारी टीम ने जब सवाल किया कि आप आश्रम तक आए हैं तो अंदर क्यों नहीं जा रहे, बाबा से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ है ही नहीं, मैं तो आपके बुलाने पर आया हूँ। बता दें कि मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहाँ हाथरस कांड के बाद बाबा पहुँचा था। 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लेकर 4:35 तक बाबा की लोकेशन इसी आश्रम की बताई जा रही थी और 4:35 के बाद बाबा का फोन ऑफ हो गया। इसके बाद से बाबा का कोई अता पता नहीं है। इस आश्रम के अंदर जाते तो बाबा को सभी ने देखा, लेकिन आश्रम से बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। पुलिस का कहना है कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। बाबा के सेवादारों का भी कहना है कि अंदर कोई नहीं है। बाबा के वकील भी आधी रात आश्रम पहुंचे, लेकिन बिना एंटर किए ही वापस लौट गए। ऐसे में सवाल ये कि क्या बाबा इस आश्रम में ही छिपा है? सवाल ये कि बाबा है तो है कहाँ? मुझे तो वहाँ कोई मिले ही नहीं, है ही नहीं, वहाँ तो बंद पड़ा है सब, पुलिस लगी पड़ी हर तरफ। लेकिन आपने तो दरवाजा तक नहीं खटखटाया वहाँ तक। अरे दरवाजा क्या खटखटा, मैं दरवाजा खटखटा के नहीं जाने वाला हूँ। एपी सिंह जाता है तो स्वागत के साथ जाता है, फूलों की वर्षा के साथ जाता है। तो फिर आश्रम तक किस वजह से? आपने कहा वहाँ है मीडिया, वहाँ है, वहाँ सेंट्रल मीडिया, नेशनल मीडिया, और वहाँ चलो गेट पे लोग खड़े थे, आप में झगड़ा हो रहा था मीडिया हाउसेस में। आप लोग कह रहे बाहर वाली मीडिया, ये लोकल मीडिया, ये लखनऊ की मीडिया, ये दिल्ली की मीडिया। अब मैं आपसे तो नाराजगी नहीं लेता क्योंकि आप तो हमारे हैं, अपने हैं, चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सूरज है, रोशनी दिखाते हैं, तो इसलिए आपके साथ तो रहूंगा। बता दें कि हाथरस कांड के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद आयोजन समिति से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाएगी। वहीं यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर डाली। आरोप है कि इस कार्यक्रम में 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति थी, लेकिन 2,50,000 लोगों को जुटाया गया। हालांकि FIR में भोले बाबा का नाम तक नहीं है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।